Hello everyone, welcome back to our channel Go for Agriculture. So in today's lecture 10 of IPM, we'll see biological control methods of pest management. So let's start with our lecture. What is biological control? Biological control ka matlab hai hum living organisms, matlab insects ko use karke pest ko control karenge. Control ka matlab hai pest ka population ko kam karna. So biological control ka main motto ye hai, ek insect ko use karke pest ko control karna. सो इंसेक्ट मतलब टिपिकली दो टाइप्स होते हैं, जैसे हार्मफुल इंसेक्ट्स है, यूजफुल इंसेक्ट्स है. तो हम यूजफुल इंसेक्ट्स को यूज़ करके हम हार्मफुल इंसेक्ट्स को कंट्रोल करेंगे. सो हम ये यूजफुल इंसेक्ट्स जो यूज़ कर रहे हैं उसको हम नेचुरल एनिमीज़ के नाम भी हम बुला सकते हैं, बिकॉज दीज यूजफुल इंसेक्ट्स दे आर लाइक अ एनिमीज टू द हार्मफुल इंसेक्ट्स. सो वील कॉल दीज यूजफुल वंस एज नेचुरल एनिमीज. ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन अ बायो कंट्रोल एजेंट एंड इट्स पेस्ट. तो आप ग्राफ में देख सकते हो दो कलर्स है, ब्लू है, ग्रीन है. तो ब्लू का मतलब है नंबर ऑफ पेस्ट और ग्रीन का मतलब है नंबर ऑफ एनिमीज. और यहाँ पे एक लाइन है और दिस इज द इकोनॉमिक इंजुरी लेवल. सो यहाँ पे इकोनॉमिक इंजुरी बिगिंस. सो इसका मतलब है अगर नंबर ऑफ पेस्ट ये लाइन से ऊपर गया तो सो द यील्ड ऑफ द प्लांट विल बी डिक्रीज, सीवियरली डिक्रीज. सो वी शुड मेक श्योर दैट पेस्ट नंबर शुड बी लेस दैन द EIL. सो इस ग्राफ में आप देख सकते हो कि ब्लू लाइन मतलब पेस्ट नंबर जो है वो EIL को क्रॉस कर दिया है, मतलब और प्लांट यील्ड विल बी डिक्रीजिंग. सो हियर यू कैन सी दिस ब्लू लाइन इज क्रॉसिंग द EIL लाइन. सो दिस ब्लू लाइन इज क्रॉसिंग द EIL लाइन एंड इट इज गोइंग फर्दर. इट मीन्स आवर प्लांट यील्ड इज डिक्रीजिंग. तो हम प्लांट को बचाने के लिए और पेस्ट नंबर को कम करने के लिए हम नेचुरल एनिमीज को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब ग्रीन लाइन. सो ये जो ग्रीन लाइन है ये है नेचुरल एनिमीज. तो हम पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए हम नेचुरल एनिमीज को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. तो आप देख सकते हो नेचुरल एनिमीज को इंट्रोड्यूस करने के बाद पेस्ट का नंबर EIL से कम हो गया. सो हियर यू कैन सी आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग दिस ग्रीन लाइन मतलब नेचुरल एनिमीज, ऑटोमेटिकली ब्लू एंड ग्रीन दे वर बिलो द EIL. दिस मीन्स दीज नेचुरल एनिमीज दे वर ईटिंग द पेस्ट and they are controlling the population of the pest. So after this period, you can see there is no increase of the pest above the EIL. It means above the economic injury. It is below the economic injury only and it is due to the natural enemies. So this is how the biocontrol agents, they do the work. So they do the work by eating the pest. So these biocontrol agents, they chase their food. Yahan pe food ka matlab hai pest. Theek hai? नेक्स्ट इज व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ बायोकंट्रोल मेथड्स. सो हैरी स्कॉट स्मिथ ये जो साइंटिस्ट है इसने 1919 में बायोलॉजिकल कंट्रोल टर्म का यूज़ किया था. और चाइनीज बॉटनिस्ट उसका नाम है जी हान, उसने उसके बुक नान फोंग क्या म्यू जुआंग, इसका मतलब है प्लांट ऑफ सदरन रीजियंस. सो इसने ये जो बुक में इसने फर्स्ट यूज ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल के बारे में मेंशन किया था. दैट इज द पीपल ऑफ जियाओजी. सो इस लोगों ने रेडिश एलो एंट्स को सिट्रस पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया था. और दिस वॉज द फर्स्ट रिकॉर्ड यूज ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल. सो दिस जियाओजी पीपल दे यूज दिस रेडिश एलो एंट्स. तो आप पिक्चर में देख सकते हो दीज आर द रेडिश एलो एंट्स. सो दीज एंट्स वर यूज टू कंट्रोल द सिट्रस इंसेक्ट पेस्ट. सो ये जो टर्म्स है हैरी स्कॉट स्मिथ और ये चाइनीज बॉटनिस्ट का नाम जी हान और बुक प्लांट्स ऑफ सदर्न रीजियंस और पीपल जियाओजी and reddish yellow ants and what pest is used to control. So these terms, they are really important for the competitive exams also. Next is evolution in biological control. So 19th century mein Australian scale ek pest hai. So it affected the Californian orchards. So ye pest ko control karne ke liye ek natural enemy ko introduce kiya tha. Matlab ek pest ko introduce, sorry, ek insect ko introduce kiya tha ye pest ko control karne ke liye. सो ये नेचुरल एनिमी का नाम है रोडोलिया कार्डिनालिस. तो आप पिक्चर में देख सकते हो ना, जस्ट यस, तो आप पिक्चर में देख सकते हो ये है रोडोलिया कार्डिनालिस. ये तो बीटल जैसे है लेकिन ये है रोडोलिया कार्डिनालिस. सो दिस इज यूज टू कंट्रोल द कैलिफोर्नियन सॉरी ऑस्ट्रेलियन स्केल. सो नेक्स्ट इज क्लासिकल बायोलॉजिकल कंट्रोल अचीव्ड इन इंडिया.
So now we'll see what are the series of the biological controls in India. So in 1926, the cocainelid beetle, the Rhodiola cardinalis, it is used against the cottony cushion scale. Next is in 1941, the tinged lace bug. So this is a natural enemy which is used against the L camera. And in 1951, the C. montruseri, it is used against the mealybugs. And 1982, methane natural enemy were introduced. They are Neochatina brucei from Argentina and Echinoidea from Argentina. And a mite from South America were introduced against the water hyacinth. And in 1983 to 1984 ke period ke beech mein, our exotic we will be introduced Kiata to control the water fern. Not only these, but in 1983 and in 1988, 2010, in all these years, many natural enemies were introduced to control the many pests. So all these years and what type of natural enemies were introduced, even these are also important. You need to learn the period and the number of natural enemies were introduced. So next are approaches of biological control. So isme teen approaches hain. First is classical biological control, conservation of natural enemies and augmentation. So augmentation mein do types hai, inoculative release and inundative release. So first is classical biological control. Isme hum natural enemies ko new location mein introduce karte hai. Jaise maan lo Australia mein ek pest plant ko attack kar raha hai. To usko rokne ke liye koi natural enemy nahi hai Australia mein. To aap is pest ko control karne ke liye dusre country से आप नेचुरल एनिमीज को मांग रहे हो. जैसे यूएसए है, तो यूएसए में नेचुरल एनिमीज तो बहुत है. सो वी कैन से दैट यूएसए इज द नेचुरल एनिमीज का होम टाउन. ठीक है, तो आप नेचुरल एनिमीज को यूएसए ऑस्ट्रेलिया को भेज रहे हैं, मतलब नेचुरल एनिमीज को होम टाउन से न्यू लोकेशन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. सो दिस इंट्रोडक्शन ऑफ द नेचुरल एनिमीज टू द न्यू लोकेशन इज कॉल्ड एज क्लासिकल बायोलॉजिकल कंट्रोल. सो नेक्स्ट इज कंजर्वेशन बायोलॉजिकल कंट्रोल. इसका मतलब है नेचुरल एनिमीज को बचाने और उसका पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए हम कुछ स्ट्रैटेजीज को फॉलो करते हैं. जैसे दे आर सम स्ट्रैटेजीज टू डू, लाइक फर्स्ट इज प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्टिसाइड्स. सो पेस्टिसाइड्स का काम ये है पेस्ट और इंसेक्ट को किल करना. सो पेस्टिसाइड्स को क्या पता कि नेचुरल एनिमीज जो है वो अच्छे हैं और वो फार्मर्स को हेल्प करते हैं और पेस्ट को कंट्रोल करते हैं. They don't know anything and the work is to kill the insects, hai na. So hum pest ko apply karne se ye sorry hum pesticides ko apply karne se ye pest ke alawa ye natural enemies ko bhi kill karte hai. So we should make sure that we should apply the pesticides in a real small amount so that natural enemies should not be affected or should not be killed. Next is avoidance from harmful cultural प्रैक्टिसेस. और हम कल्चरल प्रैक्टिसेस जो कर रहे हैं, जैसे टिलेज है, इरिगेशन है और ट्रैप क्रॉप्स हम कल्टिवेट कर रहे हैं और बहुत सारे कल्चरल प्रैक्टिसेस है. यू कैन जस्ट गो थ्रू माय प्रीवियस लेक्चर, दैट इज लेक्चर 9, बिकॉज आई हैव गिवन डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑन ऑल द कल्चरल प्रैक्टिसेस. यू कैन जस्ट गो थ्रू दैट. ओके, सो हम कल्चरल प्रैक्टिसेस जो कर रहे हैं वो पेस्ट को डिस्ट्रॉय करनी है, नॉट द नेचुरल एनिमीज. ठीक है, हम कल्चरल प्रैक्टिसेस जो कर रहे हैं हम वो पेस्ट को डिस्ट्रॉय करनी है, नॉट द नेचुरल एनिमीज. सो वी शुड टेक केयर दैट द हार्मफुल कल्चरल प्रैक्टिसेस शुड नॉट बी हैपेंड सो दैट नेचुरल एनिमीज कैन बी अलाइव, लाइक वी कैन सेव देम. नेक्स्ट इज मेंटेनेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. सो बायोडाइवर्सिटी इज रियली इंपॉर्टेंट एंड वी शुड मेक श्योर देयर पॉपुलेशन शुड बी मोर. नेक्स्ट इज सप्लाई फूड एंड शेल्टर रिसोर्सेज. सो हम नेचुरल एनिमीज पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए एक तरीका है, ये है उसका फूड देना और शेल्टर देना. सो इफ़ वी गिव देम फूड एंड इफ वी गिव देम अ प्लेस टू ग्रो, ऑफकोर्स द पॉपुलेशन विल इंक्रीज. सो इफ द पॉपुलेशन ऑफ नेचुरल एनिमीज इंक्रीज, वी कैन सेव आवर क्रॉप्स फ्रॉम द पेस्ट. सो ये है कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल. नेक्स्ट इज ऑगमेंटेशन. ऑगमेंटेशन का मतलब है मास ब्रीडिंग एंड प्रोडक्शन करना. सो इसमें दो टाइप्स हैं, इनोक्यूलेशन एंड इनंडेशन. सो इनोक्यूलेशन का मतलब है इसमें नेचुरल एनिमीज जो है हम इसको स्मॉल नंबर में रिलीज करते हैं. सो ये स्मॉल नंबर जो है, मतलब एज टाइम पासिस वो उसका पॉपुलेशन को खुद से इंक्रीज करके पेस्ट को कंट्रोल करते हैं. सो इस प्रोसेस में पेस्ट पॉपुलेशन जो है वो सडनली
मतलब क्विकली डिक्रीज नहीं होगा, क्योंकि हम नेचुरल एनिमीज को सिर्फ कम नंबर में रिलीज किया था। जैसे मान लो एक फील्ड में 1000 पेस्ट है, मतलब 1000 नंबर ऑफ पेस्ट है, और हम इनोकुलेशन प्रोसेस के द्वारा मतलब स्मॉल नंबर ऑफ नेचुरल एनिमीज को रिलीज करने से द्वारा हम सिर्फ 50 नेचुरल एनिमीज को इंट्रोड्यूस किया था उस फील्ड में। इसका मतलब है पेस्ट तो 1000 है लेकिन नेचुरल एनिमीज तो 50 है। तो टाइम लगेगा ना नेचुरल एनिमीज को पॉपुलेशन को इंक्रीज करके पेस्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए। सो दिस इज वाई दिस इनोकुलेशन प्रोसेस इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, बिकॉज दीज नेचुरल एनिमीज दे वर रिलीज्ड इन अ रियली स्मॉल अमाउंट। सो इट विल टेक टाइम फॉर द नेचुरल एनिमीज टू इंक्रीज देयर पॉपुलेशन एंड देन टू किल द ऑल द पेस्ट प्रेजेंट इन द फील्ड। सो दिस इज द इनोकुलेशन प्रोसेस एंड दिस इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। नेक्स्ट इज इनंडेशन। इनंडेशन का मतलब ये है हम नेचुरल एनिमीज को लार्ज नंबर में रिलीज करते हैं और इसका इंटेंशन ये है पेस्ट को जल्दी से डिस्ट्रॉय करें। और इनोकुलेशन में इट्स अ स्लो प्रोसेस, लेकिन इनंडेशन में पेस्ट को जल्दी से डिस्ट्रॉय करना है, ये है इंटेंशन है इनंडेशन का। सो इनंडेशन इज अ फास्ट प्रोसेस, लाइक इफ यू रिलीज सो द ऑल द नेचुरल एनिमीज दे विल फीड ऑन द पेस्ट एंड दे विल डिक्रीज द पेस्ट पॉपुलेशन रियल क्विकली। So this is augmentation. Next we'll see what are the biological control agents are there. So there are three types of biological control agents. First is predators, parasitoids and pathogenic microorganisms. Or pathogenic microorganisms mein hai bacteria, fungi, nematodes, protozoa and virus. Lekin hum is lecture mein sirf predators and parasitoids ke baare mein padhenge. Aur next pathogenic micro ऑर्गेनिजम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो फर्स्ट इज प्रीडेटर्स। सो प्रीडेटर्स जो है ये भी इंसेक्ट्स है, लेकिन फ़र्क ये है कि दे आर यूजफुल वंस। यूजफुल का मतलब है दे विल किल दी अदर इंसेक्ट्स। जो वो अदर इंसेक्ट्स जो है दे आर दी बैड इंसेक्ट्स, मतलब पेस्ट, ठीक है। और ये हार्मफुल पेस्ट को खाते हैं, मीन्स दे विल कंट्रोल द हार्मफुल इंसेक्ट्स, मतलब पेस्ट, ठीक है। सो प्रीडेटर्स पेस्ट को खा के हमको एग्रीकल्चरली बहुत फ़ायदा दे रही है, और ये यूजफुल इंसेक्ट्स हार्मफुल इंसेक्ट्स के लिए एनिमीज है एज आई टोल्ड यू। सो यूजफुल इंसेक्ट्स का मतलब है हमारा प्रीडेटर्स, मतलब नेचुरल एनिमीज। सो ये जो नेचुरल एनिमीज है ये हार्मफुल इंसेक्ट्स के लिए एनिमीज है। सो दैट्स व्हाई वी विल कॉल देम एज नेचुरल एनिमीज। लेकिन नेचुरल एनिमीज में प्रीडेटर्स होते हैं, पैरासिटॉइड्स होते हैं, but this predator is a shorter term, but natural enemies is a broad term, because natural enemies mein predators hai, parasitoids hai aur pathogenic microorganisms bhi hai. So from now on, instead of saying natural enemies, we'll call these useful insects as predators, because they'll eat them. Ye khate hai predator, prey aapko pata hai na, so predator will eat the prey. Yahan pe predator hai insects aur prey hai pest, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल लेडी बग का लार्वे जो है वो माइट्स, एफिड्स, स्केल इंसेक्ट्स को खा लेते हैं, मतलब लेडी बग इज अ प्रीडेटर फॉर एफिड्स, स्केल इंसेक्ट्स एंड माइट्स। और स्पॉटेड लेडी बीटल जो है इट इज़ अ प्रीडेटर फॉर कोलोराडो पोटैटो बीटल, बिकॉज दिस स्पॉटेड लेडी बीटल इट विल फीड ऑन द एग्स एंड लार्वे ऑफ द कोलोराडो पोटैटो बीटल। सो नेक्स्ट इज इंसेक्ट्स जो है वो आर्थ्रोपोड्स है, वी नो दैट। सो अब हम देखेंगे कौन सा प्रीडेटर्स है वो आर्थ्रोपोड्स भी है इसमें। सो इन द पिक्चर्स यू कैन सी द मीली बग डिस्ट्रॉय, इट्स द फर्स्ट पिक्चर, दिस वन मीली बग डिस्ट्रॉयर, लेडी बर्ड बीटल, ब्राउन लेस विंग स्पाइडर, प्रीडेटरी माइट एंड अनदर वेराइटी ऑफ अ स्पाइडर, ग्रीन लेस विंग। सो दिस आर सम ऑफ द मेन एग्जाम्पल्स और द वेल नोन एग्जाम्पल्स ऑफ द आर्थ्रोपोड्स नेचुरल एनिमीज एज द प्रीडेटर्स। So I would request you to go through this slide, that is the pictures and the names also, because they are also important in this biological control methods of pest management. So the next is parasitoids. So before saying what is a parasitoid, we'll see what is a parasite, so that you can compare both of them. Okay, so parasite ka matlab hai ek organism dusre organism ke andar rehna, lekin parasitoid ka matlab hai एक ऑर्गेनिज्म के लार्वे दूसरे ऑर्गेनिज्म में रहना। सो दिस इज कॉल्ड एज पैरासिटॉइड।
So most of the parasitoids are wasp only. So like just think, if there's a wasp and it will lay eggs either on the body or in the body of the caterpillar. Just like caterpillar jo hai, it's a host of the wasp. Okay? So if the wasp lays eggs either in the body or on the body of the caterpillar, what happens? These eggs, they will turn into the larvae. So these larvae, they'll feed on the caterpillar and ultimately kill them. So ye wasp aur uske larvae, so is dono ko hum kehte hain parasitoids. So iska main motto hai to kill the host or to kill the caterpillar. ठीक है. और आप इस पिक्चर्स में देख सकते हो, सीरीज ऑफ पिक्चर्स है ना. सो ये फर्स्ट पिक जो है, इट्स द फर्स्ट स्टेज. सो यहाँ पे कैटरपिलर के बॉडी पे एग्स है. सो दीज एग्स आर लेड बाय द वैस्प. सो ये एग्स लार्वल स्टेज पे आने के बाद ये लार्वे कैटरपिलर्स के बॉडी के अंदर घुसा जाता है जस्ट टू फीड ऑन द इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स ऑफ द कैटरपिलर. सो यहाँ पे आप देख सकते हो. और इन द थर्ड पिक में कैटरपिलर की बॉडी बल्ज हो गया बिकॉज ऑल द लार्वे आर इनसाइड द बॉडी एंड फीडिंग ऑन इट. सो इफ द लार्वे आर फीडिंग ऑन इट, दे विल इंक्रीज इन साइज, मीन्स दे विल ग्रो. सो इफ द लार्वे ग्रो, सो द कैटरपिलर्स बॉडी इज बल्ज्ड. और फाइनल स्टेज में सब लार्वे रिलीज हो जाते हैं. सो लार्वे कैटरपिलर के बॉडी से बाहर आ जाते हैं. सो बाहर आने के बाद कैटरपिलर मर जाती है. So here, what is the ultimate goal? Is to kill the caterpillar. But how? By laying eggs, and these eggs turn into the larvae as in the second stage, and these larvae get inside the body of the caterpillar and feed on the internal organs, and later they'll come out of the caterpillar. But here there's a fun fact. Like, do you know that eggs, matlab egg laying se larva release states the caterpillar will take care of the larvae. This is really amazing fact, because when the wasp it's laying eggs on this caterpillar, it will release a chemical kind of thing into the nervous system of this caterpillar. So what this chemical do is, it will make this caterpillar think that these larvae or these eggs are its own babies. So that's why this caterpillar will take care of them. Okay, this is why these larvae, they won't die at all. They'll just feed on the caterpillar and later they'll come out, and finally caterpillar will be dead. So this is how wasps do their work. So this is why we'll call them as parasitoids. Okay, so next is parasitoids mein char important groups hai. So first is ichneumonid wasp, next is braconid wasp, next is calcid wasp and tachanid fly. सो इक्निमोनिड वैस का मतलब है ये वैस सिर्फ बटरफ्लाइज का कैटरपिलर्स को खाते हैं, मतलब दे प्रे ऑन देम. और ब्रैकोनिड वैस में ये वैस कैटरपिलर के अलावा बहुत सारे इंसेक्ट्स को अटैक करते हैं, जैसे ग्रीन फ्लाई. लाइक दे अटैक नॉट ओनली कैटरपिलर बट ऑल्सो मेनी अदर इंसेक्ट्स. सो द नेक्स्ट इज कैल्किड वैस. सो ग्रीन फ्लाई, वाइट फ्लाई, कैबेज कैटरपिलर्स एंड स्केल इंसेक्ट्स का एग्स एंड लार्वे को पैरासिटाइज करते हैं. Parasitize का मतलब है like laying the eggs on them, and the larvae they'll get into the body of the host and they'll eat their internal organs and they'll come out. So this is called as parasitizing. Okay, and the next is tachanid fly. So ये भी many ranges of the insects को parasitize करती है, जैसे caterpillars है, adult or larval beetles है, true bugs है, like many of them. So these are the important groups of parasitoids. नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ अ पैरासिटॉइड. सो पैरासिटॉइड्स में पांच बेसिस पे क्लासिफाई हुए हैं. सो इसको हम एक एक करके देखेंगे. सो फर्स्ट इज बेस्ड ऑन स्टेज ऑफ अटैक, सेकंड इज बेस्ड ऑन नंबर पर होस्ट, थर्ड इज बेस्ड ऑन फीडिंग टाइप, फोर्थ इज बेस्ड ऑन पैरासाइटिज्म, फिफ्थ इज बेस्ड ऑन होस्ट रेंज. बेस्ड ऑन द स्टेजेस ऑफ अटैक, इसमें सिक्स स्टेजेस हैं. सो द फर्स्ट इज एग पैरासिटॉइड. इसमें वैस्प जो है, इट विल ले इट्स एग्स ऑन द एग्स ऑफ द होस्ट. तो आप पिक्चर्स में देख सकते हो कि वाइट एग्स जो है, दे आर द एग्स ऑफ द होस्ट एंड द वैस्प इट इज. सो वॉट इट्स डूइंग इज, द वैस्प इज लेइंग एग्स ऑन द एग्स ऑफ द होस्ट. सो वॉट हैपन्स नेक्स्ट इज, लाइक आई हैव मेड दिस स्मॉल टेबल टू मेक यू इजीली अंडरस्टैंड. सो दिस एग लार्वे एंड द वैस्प,
दे आर द डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ द वैस्प. ठीक है, सो दीज सो इन केस ऑफ एग पैरासिटॉइड दीज थ्री स्टेजेस विल हैपन इन द एग होस्ट ओनली, आई मीन होस्ट ऑफ द एग ओनली. सो इन दिस पिक्चर यू कैन सी द वैस्प इज कमिंग आउट ऑफ दिस एग्स, राइट? लाइक इन दिस पिक्चर यू कैन सी, इट मीन्स ऑल द थ्री स्टेजेस इट इज कंप्लीटिंग इन द एग ओनली, दैट्स वी विल कॉल देम एज एग पैरासिटॉइड. इट मीन्स इट बिगिन्स एंड कंप्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल इन द एग्स ऑफ द होस्ट. सो लाइक फॉर एग्जाम्पल माइमरी डे प्लैटीगैस्ट्रिडे ट्राइकोग्रामा टिडे. सो इन द ट्राइकोग्रामा काइलोनिस इट विल ले इट्स एग्स ऑन कॉटन बोलवॉर्म शुगर कैन बोरर एंड राइस लीफ फोल्डर. So the next is larval parasitoid. So the name itself suggests that all the three stages occurs in the larva. It is same as the egg parasitoid only. The wasp, it will lay its eggs on the caterpillar. So when the eggs turn into larvae, they need food, right? So these larvae get into the caterpillar's body or inside the caterpillar's body and feed on its internal organs. And later this larvae turn into the wasp. And later what happens? They'll come out. So this is larval parasitoid. It is same as the egg parasitoid, but the source is different. यहाँ पे eggs जो है they are the source for these three stages. लेकिन इस case में larva है. Remaining it's all same. So the examples of larval parasitoid are Braconidae, Bithylidae and Ichneumonidae. So the Bracon brevicornis it will feed on the coconut black-headed caterpillar. ठीक है, so the next is pupal parasitoid. अगर वैस्प प्यूपा में एग्स लेकर आते हो हम इसको प्यूपल पैरासिटॉइड बुलाते हैं, और इसमें एग्स से लार्वे एंड फाइनली वैस्प आ जाते हैं प्यूपा से. सो इन द प्रीवियस केस वी हैव सीन एग पैरासिटॉइड इन दैट एग्स आर देयर, मतलब द मेन सोर्स इज एग्स फॉर द थ्री स्टेजेस, एग लार्वे एंड प्यूपा, सॉरी एग लार्वे एंड वैस्प. और लार्वल पैरासिटॉइड में व्हाट इज द मेन सोर्स? लार्वे है, और प्यूपल पैरासिटॉइड में प्यूपा. सो दीज थ्री आर सेम, बट उसमें एग है, लार्वे है और इसमें प्यूपा है. ठीक है, सो द एग्जाम्पल आर ट्राइकोस्पाइलस प्यूपीवोरा एंड ब्राकीमेरिया निफेंटिडिस ऑन प्यूपा ऑफ कोकोनट BHC. सो इन दिस ऑल द एग लार्वे एंड वैस्प स्टेजेस विल बी कंप्लीटेड इन द प्यूपा ओनली. सो व्हेन द वैस्प इट फाइनली फॉर्म्स इट विल कम आउट ऑफ द प्यूपा. सो दिस इज द प्यूपल पैरासिटॉइड. नेक्स्ट इज एग लार्वल पैरासिटॉइड. सो इसमें वैस्प इट विल ले एग्स इन द एग स्टेज ऑफ द होस्ट, और ये वैस्प मतलब ये वैस्प बन के लार्वा से बाहर आ जाते हैं. मतलब इन दिस वी कैन से इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ एग पैरासिटॉइड एंड लार्वल पैरासिटॉइड. सो इसका मतलब है, सो जस्ट यू कैन सी दिस टेबल. सो द वैस्प इट विल ले इट्स एग्स ऑन द एग्स ऑफ द होस्ट एंड लेटर दिस लार्वा इट विल फीड ऑन द एग्स. And later, when the host, it will become a larvae, means the wasp, it will feed on the larvae. Means the developmental stages, it is taking a long time, like it will be in between the eggs and larvae. Means the eggs, larvae and the wasp, they are the developmental stages of a wasp, right? So these three stages will happen when the host is in between the egg and the larval stage. This way we'll call it as egg larval parasitoid. So it begins the life cycle as egg in the egg stage of the host and it ends its life cycle in the larval stage. So this is egg larval parasitoid. In the example is Chelonis blackburnii cotton bollworm. Next is larval pupal parasitoid. It is same as the egg larval parasitoid. So in this larval pupal parasitoid, the wasp lays eggs when the host is in larval stage, and the final stage of the wasp, that is the adult one, comes out when the host is in the pupa stage. So and this is larval pupal parasitoid. So the wasp it will begins its life cycle in the larval stage of the host and completes in the pupal stage, means it will come out of the pupa when it is a wasp. So the example is Isotema javensis on sugarcane top borer. Next is nymphal adult parasitoid. So this also same as larval pupal parasitoid only. So the wasp it will lay its eggs when the host is in the nymphal stage, and the wasp it will complete its life cycle, means it will come out as an fully matured wasp when the host is in the adult stage, means in between these stages
means from nymphal to adult stages, these egg larvae and wasps, they will feed on this host. And finally, what happens? They will kill them host. They will kill these host. So this is nymphal adult parasitoid. It will begin as a life cycle in the nymphal stage and completes the adult stage of the host. So the example are Encarcia formosa on cotton whitefly, and Epirikenia melanoleucon sugarcane leaf borer, and Aphelinus mallei on aphids. So next is based on numbers per host. अब हम देखेंगे बेस्ड ऑन नंबर्स वो होस्ट का मतलब है एक होस्ट में कितने नंबर ऑफ वैस्प ग्रो कर सकते हैं. इसमें दो टाइप्स है, सॉलिटरी है, ग्रिगेरियस है. सॉलिटरी का मतलब है इसमें एक होस्ट में सिर्फ एक लार्वे ही डेवलप होती है, सिर्फ एक लार्वे इन अ सिंगल होस्ट. सो इट्स एग्जाम्पल इज इक्निमोनिडे. एंड इन ग्रिगेरियस सिंगल होस्ट में मेनी लार्वे डेवलप होती है. सिंगल होस्ट मेनी लार्वे इट इज ग्रिगेरियस. सिंगल होस्ट सिंगल लार्वे सॉलिटरी एस एस सॉलिटरी. In the example of gregarious is Bracconidae. So the next is based on feeding type, like how they will feed externally or internally we will see. So first is ectoparasitoid. So parasitoid matlab isme parasitoid jo hai matlab wasp jo hai, so it will lay its eggs on the external part of the caterpillars. Like if there's a wait just excuse me for a minute yes like if there's a caterpillar like this, so in case of ectoparasitoid, the wasp, it will lay eggs on the surface. So when it lay eggs on the surface, these eggs, they'll become the larvae and they'll feed on this caterpillar and they'll come out and finally it will be dead. Means all this process will happen on externally only, development also. So in this definition, you can see an insect parasite or the wasp which feeds externally on the host body and complete their development externally on the host. All happens externally, that's why we'll call them as ectoparasite, parasitoid. So the example is Epirikenia melanoleucon sugarcane pyrella. Next is endoparasitoid. It is quite opposite to ecto, kyunki endo mein sab internal hote hai. So the eggs, they will be laid on the on the external only, but these eggs, when they become the larvae, they'll travel to internal parts of the caterpillar. So when they travel to internal, they'll feed on the internal organs and later they'll come out. So all this happens within the body only, inside the body. So this is called as endoparasitoid. So the example is Aphelinus mallei on apple woolly aphid. So this is based on the feeding type. Next is based on the host. So इसमें थ्री टाइप्स है, प्राइमरी पैरासिटॉइड, सेकेंडरी एंड टेरिशरी. सो प्राइमरी पैरासिटॉइड का मतलब वैस्प जो है वो पेस्ट को अटैक करेगी. मीन्स द वैस्प और द पैरासिटॉइड, इट विल अटैक अ पेस्ट. दिस इज द प्राइमरी पैरासिटॉइड. मतलब ये तो बेनिफिशियल है ना, बिकॉज इफ द पेस्ट इज बीइंग कंट्रोल्ड, इट इज यूजफुल फॉर द एग्रीकल्चर. सो ये है प्राइमरी पैरासिटॉइड. लेकिन सेकेंडरी पैरासिटॉइड में इसमें पैरासिटॉइड जो है, इट विल attack the another parasitoid, like दो wasp है, wasp A and wasp B. So इसमें wasp A जो है, it will kill the wasp B. So ये तो harmful है, because if the useful one is killing the useful one, means it's really a bad thing. Like there's a chance that the useful ones can be मतलब the useful populations can be decreased. So this is why these secondary, they are harmful, because there is a chance that there is a number, मतलब the number can be decreased. और ये secondary parasitoids के example आप देख सकते हो, pictures भी हैं. Like ये Opicina जो है, it's the pest. ये है pest. So ये Bracon breviconis जो है primary parasitoid है, मतलब ये Bracon, it will feed on this Opicina. ठीक है, this is the Bracon, this is Opicina. So ये Bracon, it will feed on this Opicina. So ये है primary parasitoid. So it's useful. लेकिन ये प्लूरोट्रोपिस जो है, ये सेकेंडरी पैरासिटॉइड, और ये प्लूरोट्रोपिस ओपिसिना के मतलब इंस्टेड ऑफ फीडिंग ऑन ओपिसिना, इट विल किल द Bracon. सो दिस इज सेकेंडरी पैरासिटॉइड. सो दी सेकेंडरी पैरासिटॉइड्स आर हार्मफुल. सो द बेसिक फंक्शन ऑफ द सेकेंड मतलब सो द बेसिक फंक्शन ऑफ द पैरासिटॉइड इज टू किल द पेस्ट ओनली. लेकिन ये प्लूरोट्रोपिस जो है,
यह सेकेंडरी पैरासिटॉइड मतलब ये प्लूरोट्रोपिस इंस्टेड ऑफ अटैकिंग ओपीसीना मतलब द पेस्ट इट विल बी अटैकिंग द आवर फ्रेंडली पैरासिटॉइड. सो दिस इज वाई द सेकेंडरी पैरासिटॉइड्स आर हार्मफुल. लेकिन इन ऑर्डर टू स्टॉप द सेकेंडरी पैरासिटॉइड्स ऑल्सो टेरिशरी पैरासिटॉइड्स आर देयर. सो द टेरिशरी पैरासिटॉइड्स दे विल अटैक द सेकेंडरी पैरासिटॉइड मीन्स द पैरासिटॉइड विच ईट्स द पैरासिटॉइड मतलब इट्स द सेकेंडरी पैरासिटॉइड. सो लाइक दे आर 1, 2, 3 आर देयर एंड दिस इज अ पेस्ट. सो दिस वन इज अटैकिंग द पेस्ट बट दिस वन इंस्टेड ऑफ अटैकिंग द पेस्ट दिस इज ईटिंग दिस. सो वॉट दिस टेरिशरी डज इज दिस विल ईट द सेकेंडरी पैरासिटॉइड. इट्स लाइक दिस टेरिशरी विल बी पनिशिंग द सेकेंडरी फॉर ईटिंग द प्राइमरी वन. सो इट इज बैलेंस्ड. सो दिस टेरिशरी पैरासिटॉइड इज अ बेनिफिशियल वन. सो द एग्जाम्पल्स आर ट्राइकोस्पाइलस कोरियोलेसेंस एंड दिस टेरिशरी आर ऑल्सो कॉल्ड एज हाइपर पैरासिटॉइड बिकॉज दे आर किलिंग द पैरासिटॉइड्स इन विच मतलब दे आर किलिंग द पैरासिटॉइड्स हूज होस्ट आर पैरासिटॉइड्स. ठीक है. सो द नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन होस्ट रेंज और इसमें 3 टाइप्स हैं मोनो मोनोफेगस पॉलीफेगस एंड ऑलिगोफेगस. मोनोफेगस का मतलब है कुछ पैरासिटॉइड्स होते हैं वो सिर्फ एक स्पीशीज ऑफ होस्ट को अटैक करते हैं सिर्फ एक स्पीशीज जैसे जी नेफांटिडिस है इट विल अटैक ओनली बीएचसी ऑफ कोकोनट ओनली बीएचसी बट नॉट अदर स्पीशीज. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ मोनोफेगस मीन्स सिंगल होस्ट रेंज. नेक्स्ट इज पॉलीफेगस. पैरासिटॉइड्स जो है दे विल अटैक द वाइड रेंज ऑफ होस्ट मतलब उसको वाइड रेंजेस ऑफ होस्ट होते हैं जैसे ट्राइकोग्रामा जो है दे विल अटैक ऑल काइंड ऑफ द इंसेक्ट्स नॉट ओनली वन और टू ऑल काइंड. ये है पॉलीफेगस. और ऑलिगोफेगस जो है दे विल अटैक ओनली द क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज. सो इसके एग्जाम्पल है ब्रैकोनिडियन इक्नोमोनिडे. सो द नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन पैरासिटिज्म दिस इज द लास्ट वन. सो इसमें 3 टाइप्स है सिंपल पैरासिटिज्म है सुपर पैरासाइटिज्म एंड मल्टीपल. और सिंपल में है एक पैरासिटॉइड स्पीशीज सिर्फ एक होस्ट को अटैक करती है यह यहाँ पे स्पीशीज है. और होस्ट रेंज मतलब इन द बिफोर स्लाइड्स यस यस इन दिस स्लाइड देर इज ओनली अ सिंगल होस्ट लाइक इफ देर इज अ कैटरपिलर स्पीशीज आई मीन इफ देर इज अ वन कैटरपिलर सो दिस पैरासिटॉइड इट विल इफेक्ट ओनली दिस वन कैटरपिलर. बट इन दिस केस में सिंपल पैरासिटाइज में एक स्पीशीज है सो वन पैरासिटॉइड स्पीशीज अटैक ओनली वन होस्ट जैसे जी नेफांटिडिस इट विल अटैक ओनली कोकोनट बीएचसी. लेकिन इन सुपर पैरासिटाइज्म में इसमें सिंगल होस्ट इज अटैक्ड बाय मेनी इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज जैसे ट्राइकोस्पाइलस प्यूपीवोरा जो है. सो इसमें प्यूपीवोरा का स्पीशीज बहुत सारा है मतलब मेनी ऑफ देम आर देयर लाइक द मेनी प्यूपीवोरा स्पीशीज विल बी. सो ऑल दिस प्यूपीवोरा स्पीशीज विल बी अटैकिंग द प्यूपे ऑफ कोकोनट बीएचसी मीन्स देयर इज अ सिंगल होस्ट. यहाँ पे होस्ट तो सिंगल है कोकोनट बीएचसी लेकिन स्पीशीज तो अलग है. स्पीशीज तो सेम है लेकिन मेनी स्पीशीज अमोंग देम. नेक्स्ट इज मल्टीपल पैरासाइटिज्म. इसमें सिंगल होस्ट इज अटैक्ड बाय मेनी इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज. यहाँ पे होस्ट तो सिंगल जैसे कोकोनट बीएचसी लेकिन द पैरासिटॉइड्स आर डिफरेंट एरिबोरस ट्रोकांटेरेंटस एंड जीनेफांडिटिस दे आर ऑफ द डिफरेंट स्पीशीज लेकिन द होस्ट तो सिंगल है. सो दिस इज मल्टीपल. सुपर में सिंगल होस्ट लेकिन इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज और मल्टीपल में सिंगल होस्ट एंड इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज. सो ये है बेस्ड ऑन पैरासाइटिज्म. एंड द नेक्स्ट इज अब हम देखेंगे कितने डोसेज में हम पैरासिटॉइड को फील्ड में अप्लाई करने टू कंट्रोल द पेस्ट. सो फर्स्ट इज ट्राइकोग्रामा काइलोनिस. सो वी शुड अप्लाई टू ऑन 1.5 टू 2 लाख पर हेक्टर इन नंबर. और नेक्स्ट इज ट्राइकोग्रामा जपोनिकम इन 1.5 टू 2 एंड नेक्स्ट इज ब्रेकन ब्रेविकॉन इज 25,000 टू 50,000 पर हेक्टर इफ नॉट 10 टू 15 पर हेक्टर. नेक्स्ट इज कैलोनस ब्लैकबर्नी 25,000 टू 50,000. नेक्स्ट इज Brachymeria nefantidis 10 to 15 per plant. You can just go through this slide and no need to literally read all of them, just you can see it like how much for which species.
एंड द लास्ट इज डिफरेंस बिटवीन द प्रीडेटर्स एंड पैरासिटॉइड्स. सो हमको पता है इन द प्रीडेटर्स प्रीडेटर्स आर लिटरली बिगर दैन द प्रे. लाइक आप इस पिक्चर में देख सकते हो ग्रास होपर इज ईटिंग अ पेस्ट. यहाँ पे ग्रास होपर तो बिगर है व्हेन कंपेयर टू इट्स पेस्ट, लेकिन पैरासिटॉइड्स में दे आर स्मॉलर दैन इट्स होस्ट. क्योंकि 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 कैटरपिलर तो बिगर इंसेक्ट है और वैस्प तो बहुत स्मॉल है. सो दिस इज स्मॉलर दैन इट्स होस्ट. एंड ऑल्सो प्रीडेटर्स आर वेरी एक्टिव बिकॉज द ओनली जॉब ऑफ द प्रीडेटर्स इज टू कैच एंड ईट देम, बट द जॉब ऑफ पैरासिटॉइड्स इज टू ले एग्स एंड द लार्वा शुड बी फीडिंग ऑन द मीन्स इट्स रियली सो स्लो प्रोसेस. सो यूजली स्लगिश मतलब इट्स अ रियली स्लो प्रोसेस. एंड ऑल्सो इन प्रीडेटर्स ऑर्गन ऑफ लोकोमोटिव सेंस ऑर्गन्स एंड माउथ पार्ट्स आर वेल डेवलप्ड. सो आप ग्रास होपर में देख सकते हो लेग्स है और सेंस ऑर्गन्स है और माउथ पार्ट्स भी है, लेकिन पैरासिटॉइड्स में मैक्सिमम लार्वे होते हैं बिकॉज लार्वे आर द वंस विच किल द कैटरपिलर्स और द होस्ट. बिकॉज लार्वे में दे विल बी नो काइंड ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन्स, लाइक अ वेल डेवलप्ड लोकोमोटरी ऑर्गन्स वोंट बी, दे विल बी अ काइंड ऑफ अंडर डेवलप्ड ऑर्गन्स ओनली. बट इवन दो दिस पैरासिटॉइड्स आर वेरी इफेक्टिव. एंड प्रीडेटर्स में हैबिटेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स प्रे, लेकिन पैरासिटॉइड्स में वेयर एवर द होस्ट आर दे विल बी द वैस्प, दे आर रियली टारगेट. लेकिन प्रीडेटर्स में दे आर नॉन टारगेट. एंड इन प्रीडेटर्स द लाइफ साइकिल इज लॉन्ग, वेयर एज इन पैरासिटॉइड्स द लाइफ साइकिल इज शॉर्ट. एंड द नेक्स्ट इज अ सिंगल प्रीडेटर में अटैक सेवरल होस्ट इन अ शॉर्ट पीरियड बिकॉज द ओनली जॉब ऑफ द प्रीडेटर्स इज टू ईट देम. सो व्हाट हैपेंस इफ दे हैव अ गुड हंगर दे विल जस्ट ईट व्हाट एवर पेस्ट दे सी. बट द ओनली डिसएडवांटेज ऑफ दिस प्रीडेटर्स आर दे आर द नॉन टारगेट. लाइक समटाइम्स यू नो दे मे किल द नेचुरल एनिमीज ऑल्सो, लाइक द बीटल्स, लेडी बीटल्स और द ग्रीन लेस विंग्स, बिकॉज इफ दे सी एनी काइंड ऑफ इंसेक्ट इन फ्रंट ऑफ देम दे विल जस्ट ईट देम. सो दिस इज द वन डिसएडवांटेज बिकॉज दे ऑल्सो किल द नॉन टारगेट ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो लाइक नेचुरल एनिमीज. बट इन केस ऑफ पैरासाइट्स नो, दे आर पर्टिकुलरली सो टारगेट, मीन्स दे विल किल ओनली द हार्मफुल वन दैट इज द होस्ट और द पेस्ट वंस. एंड ऑल्सो दे यूजली कंप्लीट्स डेवलपमेंट इन अ सिंगल होस्ट, लाइक द लार्वे एंड द eggs to larvae, this all happens in a single host. So generally they are confined to a single host only. So these are the basic differences between predators and parasitoids. So this is it guys. In today's lecture we have seen the biological control agents, but in this lecture we have seen only predators and parasitoids. But in the next lecture we'll see the pathogenic microorganisms like fungi, bacteria, etc. So if you have any queries, you can just post in the Instagram page or you can ask in the comment section, and also you can download this PPT in our Telegram channel, Go for Agriculture. So till then, take care, stay tuned, bye-bye.